हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर न्यू चैप्टर ऑफ अवर ज्योग्राफी दैट इज़ चैप्टर नंबर फिफ्थ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सो एज़ यू कैन सी द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज़ अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सो इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में जिनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स जो और फॉरेस्ट जो हमारे आसपास होते हैं तो कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं वर्ल्ड में हम लोग ये देखेंगे और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं देखिए सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ इस चैप्टर का जिसे आप समझ सकते हैं ऐसे नेचुरल वेजिटेशन होने के लिए सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ सो हैव यू ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ ट्रीज बुशेज ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड एंड पार्कस इन एंड अराउंड योर स्कूल तो थोड़ा ये आपको वो एक इमेजिनेशन करने के बारे में बता रहे हैं कैसे आप इमेजिन करें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को अपने आसपास सो ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि आपके आसपास भी बहुत सारे ट्रीज आपको पार्कस दिखते होंगे और बहुत सारे उसमें एनिमल्स दिखते होंगे बड़े बड़े एनिमल्स ना दिखते हों आसपास जैसे कि कुछ बर्ड्स दिखती होंगी आपको आसपास सो अवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ़ द वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन वर्ल्ड विद अबाउट फोर्टी सेवन थाउजेंड प्लान स्पीशीज़ तो इंडिया वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा बायो कंट्रीज में आता है ठीक है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज क्या होती हैं जिनके पास बहुत सारे स्पीशीज़ के प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे स्पीशीज़ के एनिमल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं तो आप देख सकते हैं कि फोर्टी तो प्लांट स्पीशीज हैं इंडिया में एंड इंडिया ऑक्यूपाइज टेंथ प्लेस इन दी वर्ल्ड एंड फोर्थ इन एशियान प्लांट डाइवर्सिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ में इंडिया टेंथ नंबर पर है और एशिया में फोर्थ नंबर देयर आर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड फ्लाविंग प्लांट्स इन इंडिया फ्लावरिंग प्लान मतलब ऐसे प्लांट्स फ्लावर्स उकते हैं विच अकाउंट फॉर सिक्स परसेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि वर्ल्ड का सिक्स परसेंट है द कंट्री हैज मनी नॉन फ्लावरिंग प्लान्स सच एज फर्न एल के बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर नेचुरल वेजिटन क्या होता है आप देखिए डेफिनेशन दिए यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड लेफ्ट अनडिसटर्ब बाई ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है ऐसी प्लांट की कम्युनिटी यानी बहुत सारे प्लांट्स एक साथ जो अपने आप उग गए मतलब हम ह्यूमन से जाके उन्हें नहीं उगाया वो अपने आप जो है वहाँ पर उग चुके हैं और बहुत लंबे समय तक ह्यूम से जो है अनडिस्टर्ब रहे मतलब जैसे बहुत सारे जंगल होते हैं जहाँ पर इंसान ज़्यादा जाते नहीं है और वहाँ पर जंगल अपने आप कैसे उग गया क्योंकि जंगल जो है अपने आप प्लांट जो है उग जाते हैं वहाँ पर आपने सुना होगा बहुत सारी प्रोसेस होती है फोटोसिथ की आपने सुना होगा ओके okay, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन दिस इज टर्म रेड वर्जन वेजिटेशन इसको वर्जन वेजिटेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसको ह्यूमस ने नहीं उगाया ये खुद अपने आप जो है वहाँ पर फ्लरिश हुए हैं थर्स कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स और चार्ट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन आगे बढ़ते हैं ये आपने दो टर्म सुने होंगे बहुत रिपीटेडली फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फोना का मतलब होता है आ, एनिमल्स और एनिमल किंगडम ऑफ डेट एरिया एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं और फोना एक पर्टिकुलर एरिया उसी एरिया के एनिमल्स को नेक्स्ट चैप्टर में रिलीफ देखिए रिलीफ का मतलब आप लोग को मैंने पहले ही समझा है नहीं भी पता बताया तो मैं रिलीफ का मतलब क्या होता है ये वो वाला रिलीफ नहीं है आराम वाला जोग्राफी में रिलीफ का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये सी लेवल है ओके आप सी लेवल मतलब एक नॉर्मल लेवल है अर्थ का यहाँ आप मान सकते हैं कि अर्थ की सरफेस है सो so अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ भी या अर्थ की सरफेस के नीचे कुछ भी ओके okay? ऊपर कुछ भी का मतलब होता है माउंटेंस प्लेन्स प्लेट्यू कोई बिल्डिंग और नीचे का मतलब होता है ओशियंस रिवर्स पॉन्ड्स और भी आप जो समझ सकते हैं लेक्स वेक्स वॉल्केवरी थिंग वी सी इज रिलीफ ओके okay, अर्थ पे जो भी प्रेजेंट है चाहे अर्थ के ऊपर है अर्थ के नीचे वो सब कुछ को हम बोलते हैं रिलीफ तो रिलीफ सब कुछ ही हो गया ऑलमोस्ट आगे बढ़ते हैं इस इसपे हम सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फ्यूचर के बारे में बात हो रही है पहले लैंड लैंड भी एक रिलीफ फ्यूचर है सो लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली तो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है ये लैंड इनडायरेक्टली भी करता है क्योंकि लैंड के ऊपर तो नेचुरल वेजिटेशन हो रहा है डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन माउंटेन प्लेट्यू एंड प्लेन्स एरियाज और इन ड्राई एंड वेट वेजिटेशन तो देखिए जैसा इलाका होगा जैसी लैंड होगी वैसा ही वेजिटेशन होगा अगर लैंड जो है बहुत फर्टाइल है बहुत ही बढ़िया है तो उसमें वेजिटेशन बढ़िया होगा प्लांट्स अच्छे हो गए हरे भरे और बिल्कुल लैंड बैरन है डेजर्ट है तो वहाँ पर कैक्टस और आपको वैसे प्लांट्स मिलेंगे जो इतने हरे भरे नहीं होते सो so, द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिनोटेड टू एग्रीकल्चर दंडिंग इन रफ टेर एरिया टू वैराटी ऑफ वाइल्ड लाइफ और जहां पर अच्छे फॉरेस्ट अच्छे ग्रास लैंड मिलेंगे आपको वहीं अच्छी वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी सपोर्ट होती है इतनी ज्यादा वेराइटी आपको डजर्ट्स में देखने को नहीं मिलेगी जितनी फॉरस्ट में मिलेगी एनिमल्स की नेक्स्ट एज सॉयल सॉयल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस अलग अलग जमीन के हिसाब से अलग अलग तरीके का सॉइल होता है जिस तरीके का सॉइल होगा उसी तरीके की वेजिटेशन होगी जैसे आपने लिखा है डेल्टा एक सॉइल जहाँ पे बहुत पानी होता है जो ओशंस के पास के एरिया होते हैं जहाँ पर रिवर्स जो है मिलती हैं ओशन से उसको डेल्टा बोलते हैं हम सो वहाँ पर मैंग्रोव उखते हैं क्योंकि मैंग्रोव को काफ़ी पानी चाहिए होता है उगने के लिए नेक्स्ट बात हो रही है वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाला जो है क्लाइमेट देखिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया समझाता हूँ चैप्टर में बहुत जल्दी से हमको इतना ये पढ़ना नहीं पड़ेगा पूरा आपको चैप्टर बहुत ही नॉर्मल बातें कर रहा है ये चैप्टर पर समझाने के लिए थोड़ा लिख दिया जाता है तरह तथा देखिये हम बात कर रहे हैं चैप्टर में वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स की ठीक है उसको वेजिटेशन बोल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड वाइल्ड लाइफ की एनिमल्स की ओके देखिए सिंपल सी मीनिंग है प्लांट्स को या बोलें ट्रीज को उगने के लिए आपको पता होगा तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फर्स्ट होती है, फर्स है सनलाइट लाइट ओके सनलाइट के बिना प्लांट्स नहीं हो सकते अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलेगी प्लांट्स बढ़िया उगेंगे लंबे लंबे हो ट्रीज सनलाइट नहीं मिलेगी तो इतनी ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की या ट्रीज़ की नेक्स्ट चीज क्या होती है इनके लिए वाटर वाटर के बिना प्लांट्स नहीं उग सकते ओके okay, आपको पता है चीज़ और नेक्स्ट और लास्ट चीज होती है आपकी इन दोनों से रिलेटेड सॉइल क्वालिटी या सॉइल बोल सकते हैं आप लोग ओके सॉइल या सॉइल क्वालिटी बिना अच्छे सॉइल के भी जो है प्लांट्स नहीं उग सकते ठीक है so, सो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी जैसे कि हमने बात की सनलाइट की वाटर की और सॉइल की तो देखिए एक एरिया आप इमेजिन कीजिए एक एरिया जहाँ पर सन लाइट बहुत बढ़िया आती है कौन सा एरिया हो सकता है वो इक्वेटोरियल एरियाज ओके इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ जो होते हैं मान लीजिए वहाँ पर सन बढ़िया है और मान लीजिए इक्वेटर के आसपास एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वाटर यानी कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है बढ़िया रेनफॉल है मतलब खूब पानी गिरता है ठीक है ये भी आप समझ लीजिए और वहाँ के सॉइल क्वालिटी भी बढ़िया है ठीक ठीक है ओके कैसी क्वालिटी है कि वहाँ प्लांट्स आराम से हो सकते हैं सो so, ऐसा अगर तीनों चीज आपको देखने को मिल रही है एक जगह पर तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि वो जगह कैसी होगी बहुत ग्रीन होगी ओके okay? आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं बढ़िया सनलाइट है बढ़िया पानी कर रहा है सॉइल क्वालिटी इज ऑल्सो गुड सो यू विल इमेजिन अ ग्रीन ग्रास इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ओके okay? हम पढ़ने वाले चैप्टर में एवरग्रीन का मतलब कहता है हमेशा हरे भरे रहेंगे जंगल क्योंकि यहां पर सब कुछ मिल रहा है अब मान लीजिए सनलाइट ओके ओके है मतलब इतने बड़े बड़े ट्रीज तो नहीं हो सकते बट ओके इतनी कम भी नहीं है वाटरफॉल थोड़ा बहुत हो जाता है रेनफॉल थोड़ा बहुत मिल जाता है सॉइल क्वालिटी इज़ ऑलसो ओके मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ग्रास लैंडस क्योंकि इतने सनलाइट और वाटर में ट्रीज़ बड़े नहीं उग पाएंगे तो यहाँ पर होगेंगी ग्रास इसको हम बोलेंगे ग्रास लैंड्स और मान लीजिए तीनों ही चीज़ें बिल्कुल ही बहुत ही कम अवेलेबल हैं सनलाइट कभी कभार आ जाती है या मान लीजिए वाटर तीनों में से एक चीज़ बिल्कुल ही नहीं है देखिए ऐसा एरिया है मान लीजिए आप मान ली डेजर्ट्स डेजर्ट सनलाइट तो बहुत है पर सॉयल बेकार है और वाटर ही नहीं है तो क्या होगा कुछ भी नहीं उग पाएगा या मान लीजिए ऐसा एरिया है जहाँ पर सनलाइट ही नहीं है वाटर खूब गिर रहा है और सॉइल क्वालिटी भी ओके ओके बस सनलाइट ही नहीं है मान लीजिए पोल के इलाके नॉर्थ पोल साउथ पोल तो वहाँ पर भी कुछ नहीं उग पाएगा तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगी सो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा बैरन आईलैंड बैरन लैंड बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा होगा वो थोड़े बहुत ही प्लांट्स होंगे अब देखिए इन तीनों चीज रिलेटेड आपको समझ में आएगी ये बात कि जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी है वहाँ पर बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी बहुत सारे मिलेंगे सिंपल सी बात है जहाँ पर ग्रास लैंडस हैं वहाँ पर इतने बड़े बड़े और इतने खतरनाक एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे बट थोड़े बहुत छोटे मोटे एनिमल्स ओके अगर हम इस वाले जंगल की बात करें यहाँ आप पर आपको लायन सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत सारी वैरायटी मिलेगी यहाँ वैरायटी थोड़ी कम हो जाएगी और जैसे बैरन लैंड लैंड पर आएंगे आप डेजर्ट्स पे या इन सब पे तो वैरायटी और कम हो जाएगी एनिमल्स जो हैं और छोटे छोटे हो जाएंगे जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान या डेजर्ट्स में इतने ज़्यादा एनिमल्स नहीं मिलते पर ये ग्रीन जो बड़े जंगल होते हैं यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं तो so, ये चैप्टर का सार ही कर दिया समरी कर दी एक तरीके से मैंने आप समझ सकते हैं इसको देखिए बात ये लोग वही कर रहे हैं क्लाइमेट टेम्परेचर टेम्परेचर मतलब सनलाइट ठीक है जितनी सनलाइट होगी उतने ज़्यादा ट्री सूखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है पैनसुला पे इंडिया के जो है नाइन हंड्रेड मीटर्स तक लंबे लंबे पेड़ होते हैं क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बढ़िया होती है इक्वेटोरियल एरियाज पे ये देखिए सनलाइट पर आ गए योग रेसिपिटेशन का मतलब समझा चुका हूँ आपको रेनफॉल जितनी रेनफॉल होगी जिस एरिया पर उतनी ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे हरी हरियाली होगी उतनी ज़्यादा वेजिटेशन होगा वहाँ पर ओके okay. सिंपल टर्म्स मैंने आपको समझा दिया चैप्टर ये आप देख सकते हैं उसी उसी बेसिस पे सब कुछ दिया हुआ आपको एरिया इन परसेंट ऑफ फॉरेस्ट तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में इतनी बारिश नहीं होती है और दिल्ली पर जो है इतनी सनलाइट भी नहीं होती है मतलब सनलाइट होती भी है बारिश भी ठीक होती है बट दिल्ली में सॉइल क्वालिटी इतनी खास नहीं है तो आप देखें कम फॉरेस्ट हैं क्योंकि एरिया कम है फॉरेस्ट के लिए आंध्र प्रदेश में बढ़े बढ़िया बारिश होती है सॉइल क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड ठीक है अच्छे फॉरेस्ट हैं मध्य प्रदेश कहाँ है हमारा मध्य प्रदेश ढूंढिए ये रहा मध्य प्रदेश ओके okay है यहाँ पर भी ये रिपोर्ट फॉरेस्ट की है हाँ, एरिया एंडर फॉरेस्ट कवर ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है आई थिंक क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉइल कवर जो है अब सॉइल कवर कर रहा हूँ फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया में वो मध्य प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा जंगल जो है मध्य प्रदेश में ही है पूरे इंडिया में तो इसी बेसिस पर हमने जो पढ़ा आप देख सकते हैं कि छः टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन का मतलब समझा दिया मैंने आपको जहां पर सनलाइट वाटरफॉल और सॉइल क्वालिटी तीनों अच्छी चीजें मिल जाती है आपको ट्रॉपिकल डेसेडियस मतलब जहां पर ओके ओके सनलाइट ओके ओके वाटरफॉल सॉइल क्वालिटी ऑल्सो ओके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्व ट्रॉपिकल थॉर्न मतलब जहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान वाले इलाके हैं ओके ये ये तीन तो आप समझ सकते हैं वही तीनों ही होगा समझा दिया मैंने ये दो थोड़े से अलग तरीके से जैसे माउंटेन और मैनग्रूव फॉरेस्ट ये हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ये भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें और एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं टाइप के फॉरेस्ट तो आप देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वही है जहां पर आपको सनलाइट बढ़िया मिल रही है वेस्टर्न घाट्स की लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स आपको पता होगा बहुत रेनफॉल होती है देखिए लिखा भी हुआ है मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और ड्राई सीजन बहुत ही कम होते हैं सिंस द रीजन इज वार्म वॉम्बी रीजन है वेट भी है दोनों बातें हैं यहाँ पर इट हैज अ लग्जूरियस वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड सारे तरीके के पेड़ यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ट्रीज शर्ब क्रीपर्स गिविंग एट अ मल्टीलेयर स्ट्रक्चर ऑल सच दिस फॉरेस्ट अपियर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड पूरे साल भरी फॉरेस्ट हरे भरे रहते हैं बढ़िया मैप दिया हुआ आपको देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये वेस्टर्न घाट ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर भी हैं थोड़े बहुत फिर आप देख सकते हैं ये वाला इलाका यहाँ पर रेनफॉलॉल अच्छी होती है यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है यहाँ पर रेनफॉल काफी कम होती है तो यहाँ देखने को मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जैसे इंडिया में सेवेंटी फाइव सिक्सटी परसेंट जो है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट ही है क्योंकि इंडिया में हर जगह थोड़ी बहुत रेनफॉल तो होती है लगभग यहाँ तक बात की जाए दिल्ली के ऊपर तक तो सनलाइट इंडिया में अच्छी रहती है जम्मू कश्मीर थोड़ी कम हो जाती है भले नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट रेनफॉल थोड़ी सी मॉडरेट हो गई है और सनलाइट आल्सो मॉडरेट ओके तो ऐसे फॉरेस्ट जो होंगे आपके वैसे हो जाएंगे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट ओके यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज उग पाते हैं तो नॉर्थन स्टेट्स में ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पर कौन कौन से स्टेट हैं झारखंड वेस्ट उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ़ वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड द ड्राईटीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज है बिटवीन देखिए थोड़ा कम रेनफॉल है एवरग्रीन फॉरेस्ट से देख सकते हैं वहाँ पर टू हंड्रेड सेंटीमीटर था यहाँ पर हंड्रेड टू सेवेंटी सेंटीमीटर है कौन कौन से यहाँ पर आप आपको देखने को मिल जाएंगे एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड अ लायन टाइगर पिक डर एंड एलिफेंट अज वैराइटी ऑफ बर्ड्स लिजर्स स्नैक्स एंड टोटाइज ऑल्सो फाउंड तो अच्छी क्वालिटी मिल जाती है एनिमल्स की भी थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्फ्स मतलब जहाँ पर रेनफॉल जो बहुत कम होती है लेस देन सेवेंटी सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज तो थर्नी ट्रीज काट काटे वाले जो पेड़ होते हैं वो उग जाते हैं दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है आपको जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी कम होती है जैसे कि गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यूपी हरियाणा ठीक है जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी आपको कम मिलेगी

और इसमें आप ऐड कर देते हैं कि ये तीनों चीज़ें आपके पहाड़ के ऊपर हैं तो वो हो जाता है माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको हम क्योंकि लैंड जो है यहाँ पर प्लेन नहीं है माउंटेन वाले लैंड है थोड़े से जो ट्रीज़ होंगे वो भी अलग हो जाएंगे ज़्यादातर क्या होता है माउंटेन्स के इलाकों पर स्लोप्स होती हैं तो स्लोप्स के हिसाब से ट्रीज जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एंड माउंटेन एरियाज़ अ डिक्रीज़ इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचरल एजुटेशन क्योंकि थोड़ा सा हीट कम मिलती है सनलाइट कम मिलती है ट्रीज़ को ओके एंड नेचर वेजिटेशन काफ़ी अच्छा होता है एज वेर एज सक्सेशन ऑफ नेचर वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टा रीजन तो वहाँ पर फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें जो ट्रीज़ की हाइट होती है वो होती है थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड मीटर्स तक काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं यहाँ पर क्योंकि फॉरेस्टेड लैंड क्या होती है कि फॉरेस्ट लैंड में पानी खूब गिरता है सनलाइट मिल जाती है अच्छी खासी बट क्योंकि फॉरेस्ट थोड़ा सा माउंटेन इलाका है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी चलती है ये वाले आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट माउंटेन्स के ऊपर बिटवीन फिफ्टी हंड्रेड एंड थ्री मीटर्स तक भी हाइट चली जाती है पेड़ों की पेड़ों के यहाँ पे आपको दिए हुए टाइप्स पाइन डिओडार सिल्वर फर स्पर्स एंड आर फाउंड दिस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस तो ये वाले फॉरेस्ट देखने को आपको मिलेंगे हिमालयस पर एट हायर एलिशन हायर एलिशन मतलब ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं ये वाले एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन थर्टी सिक्स हंड्रेड अबोव द सी लेवल तो आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट थोड़े से ऊंचाई पर हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड अबोव सी लेवल पर हैं ये वाले फॉरेस्ट दिस फॉस्ट एक्सटेंसिवली यूज फॉर ग्रेजिंग बाई नोमेटिक ट्राइब्स कुछ ट्राइब्स भी रहते हैं फॉरेस्ट में जैसे गुज्जर और बकरवालस एट हायर एंड पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन तो और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ प्लांट्स एनिमल्स जो मिल जाते हैं इन फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं वाइल्ड शीप जैक रैबिट टिबेतियन एंटीलप या स्नो लेपर्ड रेड पांडा जो बहुत ही एंडजर्ट हो गया है आजकल इंडिया में रेड पांडा जो है चाइना की स्पीशीज़ है इंडिया में भी पाई जाती थी अब बिल्कुल न के बराबर देखने को मिलते हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी थोड़े से अलग के हो जाते हैं बाकी सबसे द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स तो ये वाले फॉरेस्ट वहाँ उगते हैं जहाँ पर थोड़ा सॉल्टी वाटर होता है ओके सॉल्टी वाटर कहाँ होता है आपके ओशंस के पास तो ओशंस की जो पानी आता है सॉल्टी उसमें ये प्लांट्स उग जाते हैं मर्ड एंड सिट गेट एकटेड ऑन सच कोस्ट जो कोस्टल इलाके होते हैं जहाँ पर लैंड और वाटर यानी कि ओशंस ओशन का पानी अगर टकराता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट द डेल्टा ऑफ़ द गंगा द महानदी कृष्णा गोदावरी जितने भी रिवर्स के डेल्टास होते हैं डेल्टास का मतलब होता है जहाँ पर रिवर्स जाके मिलती हैं ओशन्स में उन एरियाज़ को हम बोलते हैं डेल्टास तो उन डेल्टास में क्या होता है पानी काफ़ी होता है और सॉल्टी वाटर देखने को मिलेगा आपको बिकॉज ऑफ द ओशन वहाँ पर इस तरीके से मैंग्रोव फॉरेस्ट उग जाते हैं देख सकते हैं इनकी जड़ें थोड़ी बाहर हैं होते काफ़ी हरे भरे हैं पर जड़ें बाहर इसलिए होती है क्योंकि सॉल्टी पानी होता है और लैंड भी सॉल्टी हो जाता है काफ़ी इस चक्कर में एनिमल्स देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे रॉयल बंगाल टाइगर जो बहुत ही फेमस है इंडिया में टर्टल्स क्रोकोडाइल्स घड़ियाल्स क्योंकि ओशन का इलाका है पानी अच्छा है मैंग्रोव फॉरेस्ट है ठीक है थोड़े मेडिसिनल प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ आप, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कुछ कुछ तो आपने नाम सुने भी होंगे ऐसे नीम बबूल तुलसी कचनार जामुन सर्पगंधा ये कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इंडिया में उगते हैं और ये नए नए तरीके मेडिकल प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स जो उगते रहते हैं इंडिया में जो हिमालयस में उगते ज़्यादातर उनके नाम आप देख सकते हैं न्यूज़ में आते रहते हैं ये किस किस चीज़ों के लिए अच्छे हैं आप आपको वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं शायद आपके काम में आ जाए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर सर्पगंधा यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया ठीक है और भी बहुत चीज़ें लिखी है नीम की आपको यहाँ पर एडवांटेज दिया है हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज तुलसी का दिया है इट इज यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड आगे बात की जाए तो हम आते हैं वाइल्ड लाइफ पर तो वाइल्ड लाइफ लाइक जैसे जहाँ पर जितना अच्छा फ्लोरा होगा वहाँ इतना अच्छा फ्लोरा फोना भी होगा अप्रोक्सीमेटली इंडिया हैजटी थाउजेंड एनिमल स्पीशीज द कंट्री हैज अबाउट टू थाउजेंड स्पीशीज ऑफ बर्ड 13 परसेंट वर्ल्ड के टोटल एनिमल्स इंडिया में देखने को मिलते हैं देर आर टू स्पीशीज ऑफ फिश जो कि वर्ल्ड का फाइव टू एट परसेंट है द एलिफेंट्स आर मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल फाउंड अमंग अमॉन्ग दिन दे आर फाउंड हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम कर्नाटका एंड केरल वन हॉर्न आई आर दी एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल एरिड एरियाज तो देखिए हर इलाके के हिसाब से एनिमल्स हैं जहाँ पर बहुत से फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोक्रॉस रैनोसोरस जहाँ पे थोड़ा कम है जैसे कि आपका रन ऑफ कच्छ और थार्ड जेट की बात की जाए तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको इंडियन वाइसन नीलगा चौसिंगा फोर हॉड हॉन्ड एंटीलॉप गेजल जहाँ जो ये ये एनिमल्स जो होते हैं ये थोड़े से कम पानी पी के भी जिंदा रह लेते हैं इसीलिए इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड की बात हो रही है जहाँ पर टाइगर लायन दे दोनों देखने को मिलते हैं द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात गिर फॉरेस्ट गुजरात का फेमस है टाइगर्स के लिए टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में बहुत टाइगर्स मिलते हैं सुंदरबंश और वेस्ट बंगाल में भी बहुत टाइगर देखने को मिलते हैं लेपर्ड्स लेपर्ड्स में तो अभी हाल ही फिलहाल स्टडी भी आई है कि इंडिया में लेपर्ड्स पॉपुलेशन दुगनी हो गई है कुछ सालों में द हिमालयन हार्बर आ हार्डली रेंज ऑफ एनिमल्स हिमालयाज में तो आपको पता ही है हिमालयाज बहुत ही रिच है नेचर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों में बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं हमें हिमालयास में भी जो बहुत ही एक्सटेंट है मतलब और कहीं वर्ल्ड में जो देखने को नहीं मिलता है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिमालयास में लोग कम जाते हैं लोग कम जाते हैं तो लोग जब कम जाएंगे तो लोग एनिमल्स को कम मारेंगे ठीक है थोड़ा आप देख सकते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कहाँ पर है यह हमारी कहाना सेंचुरी जो एम में है सबसे बड़ी ओके सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है इंडिया की आप कमेंट करके बताइएगा सबसे पुरानी भी कौन सी है इंडिया की चलिए पुरानी बताता हूँ सबसे बड़ी आप बताएंगे सबसे पुरानी नेशनल पार्क जो है इंडिया का वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आप देख सकते हैं नाम ओके सबसे बड़ा नेशनल नेशनल पार्क कौन सा है आप मुझे बताएंगे और भी हमें बात पढ़ सक सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में लिखा गया है यहाँ पर कि कैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्व करें टू टू प्रोटेक्ट दो एंड दोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट एज टेकन मेनी स्टेप्स तो कंट्री इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लेके रखे हैं टू प्रोटेक्ट बोट फॉर फ्लोरा एंड फोना पहला क्या लिखा है यहाँ पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या हुआ रिजर्व कर रहा है ऐसे इलाका जिसमें हमने जो है कुछ प्लांट्स एनिमल्स को रिजर्व करके रखा है ह्यूमंस का वहाँ पर जाना मना है हैव बीन सेटअप इन दी कंट्री टू प्रोटेक्ट फोना एंड फोना टेन आउट ऑफ दिस आर जो दस नाम यहाँ पे दिए हुए आप देख सकते हैं सुंदरबंश हमने अभी नाम पढ़ा सुंदरबंश क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं नंदा देवी गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी नॉक्रेक ग्रेट निकोबार मानस सिमलीपाल पचमढ़ी देखिए यहाँ पचमढ़ी का नाम आ गया ओके पचमढ़ी इज पचमढ़ल्सो बायोस्वे रिजर्व एंड अचनाकमक अमरकंटक अमरकंटक भी जो एम पी बॉर्डर छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर आता है ओके बहुत ही हाई हाईली इंपॉर्टेंट एरिया हैं ये माइग्रेटी बर्ड्स पे कुछ लिखा गया है माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी बर्ड्स होती हैं जो बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आती हैं ठीक है इन पर बहुत सारी केस स्टडीज़ आती रहती हैं जैसे साइबेरियन क्रीन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं जो कि रण ऑफ कच्छ में आती हैं रण ऑफ कच्छ जो कि आपके गुजरात में अपने ये एटीन बायो रिजर्व के नाम दिए हुए अच्छे से आप उनको पढ़ के याद कर लें और कुछ सेप्स जो गवर्नमेंट के दिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटानिकल गार्डन्स बाई दवेंट इज नाइनटीन नाइनटी टू प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट राइनो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाती गई है गवर्नमेंट अभी मैंने कई परसों पेपर में पढ़ा इनके बारे में स्टडी आई थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तरीके का सबसे बड़ा माना जाता है एक बर्ड है इंडिया का फ्लाई जो उड़ता तो है ये माइग्रेटरी बर्ड एक तरीके का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान में पाया जाता है सो so, वहाँ होता क्या था राजस्थान में आपने देखा होगा बहुत बड़ बड़े बड़े ऐसे आपने देखा होगा रोड हाईवेज़ पे होते हैं बिजली के बड़े बड़े तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है ये तो ये उड़ते उड़ते टकरा जाते थे उससे और टकरा के ये लोग इनकी डेथ हो जाती थी करंट के तारों से तो करंट के तारों पर उन्होंने जो है प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिए वहाँ पर जहाँ पर ये मिलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्लैप्स लगा दिए हैं ताकि इनको दूर से दिख जाए कि यार कुछ आगे आने वाला है तो वहाँ से हट जाएँ तो ये स्टडीज़ आप देख सकते हैं आती रहती न्यूज न्यूज़पेपर्स में भी बढ़िया बढ़िया 103 नेशनल पार्क्स नेशनल इंडिया में एक दो ऊपर नीचे हो गए हो तो पता नहीं फाइव ऑफ अस मस्ट रियलाइज दस ऑफरल इकोसिस्टम फॉर अवर ओन सर्वाइवल इट इज पॉसिबल इफ इनडिसक्रिमिनेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ एंड तो हमें जो है सबको जो है करके रखना बहुत है आपने देखा बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं उनको हमें कंजर्व करना है ताकि वो ट्रीज़ जो हैं हमें इम्पोर्टेंस देते रहें देखिए वाइल्ड लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे सिस्टम में इकोसिस्टम में इकोसिस्टम आपको पता होगा एक चेज चलती है पूरे इन्वायरमेंट में चेन में अगर एक भी एनिमल खत्म हो जाता है तो चेन डिस्टर्ब हो जाती है कुछ एम सी क्यूज भी यहाँ देख सकते हैं टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दट रबर बिलोंग रबड़ कहाँ पर देखने को मिलेगी तो आई थिंक इट इज चुंड्रा वेजिटेशन चिचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज और रेनफॉल मोर देन तो ये सब आप देख सकते हैं ढूंढ सकते हैं इसको चैप्टर में से ओके इन लास्ट थैंक यू अगर आपको कोई दिक्कत अभी भी आती हो ठीक है ये कुछ कुछ न्यूज़ जो आती रहती हैं पेपर में आप इनको बार बार देखते रहें काफ़ी बढ़िया बढ़िया न्यूज आती हैं अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर वेजिटेशन सो आई थिंक जो एक बेसिक कंसेप्शन था कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स उग जाते हैं कैसा एरिया को चाहिए होता उगने के लिए वो मैंने क्लियर कर दिया होगा इस चैप्टर के बेसिस से बेसिस हम लोग क्लियर कर लेते हैं बाकी एक्स्ट्रा जो मसाला डालना होता है आपको चैप्टर में आप लोग खुद भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत और रिसर्च करके ओके सो इन दी लास्ट थैंक यू